वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भिंडी और दही की सब्ज़ी, जो इससे पहले आपने नहीं खाया होगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। मैं मसाले बताऊँगी मैंने क्या क्या डाला है। मैंने यहाँ लिया है सरसों का तेल, तेल मेरा हो चुका है गरम। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी हींग और पचफोरन का, आप जो चाहे लगा सकते हैं। सरसों से भी आप तड़का लगा सकते हैं, मेथी से भी आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ इसमें मैंने डाला है पचफोरन, एक चुटकी हींग। इसे अच्छे से मिला लें और इसे चटकने दें। जब ये चटकने लग जाए और पक जाए तो इसमें आप डाल दें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने पीस करके लिया है। आप इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसे डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही उड़ने लगता है, तो इसे थोड़ा फेस बचा के रखें, नहीं तो इसके छींटे से आपका फेस जल सकता है। इसमें अब डाल दें सारे मसाले। मसाले में मैंने लिया है एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिला लें। अब साथ में ही आप डाल दें नमक। और इसे अच्छे से मिला लें। ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें डाल दें भिंडी और इसे मिला लें। इसमें अब थोड़ा पानी डाल दें ताकि मसाला जले नहीं और पूरी भिंडी पे मसाला जो है वो लग जाए, मिल जाए। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया है और इसे अच्छे से मिला करके ढक लें। मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखा था। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और भिंडी भी पक चुकी है थोड़ा। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। इसे अब ढक दें और मीठी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब देखिए मैंने इसे एक बार बीच में ही देख लिया है। देखिए भिंडी और मसाला दोनों ही पक चुका है। इसमें अब थोड़ा पानी डालूंगी मैं। अगर आपको पानी डालना है तो डालें, नहीं तो आप फ्राई भी रख सकते हैं। मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए था इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ हल्का। और इसे ढक दें, 5 मिनट के बाद इसे देखें। मैं तब तक यहाँ दही फेंट लेती हूँ। मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच दही। मैंने ये सुधा का दही लिया है। आप चाहे घर का अगर बना हो दही तो और अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आपने इस तरह की सब्ज़ी कभी नहीं बनाई होगी, आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा दही वाली भिंडी। देखिए मेरा सब्ज़ी अब पक चुका है। इसमें मैं अब मिला दूँगी दही जिसे मैंने फेंट लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना, इसमें लम्स ना रहे। और जब दही आप मिला रहे हों तो इसे मीडियम आंच पे कर दें, जिससे कि दही फटेगी नहीं और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। देखिए ये पूरा मेल्ट हो चुका है। और इसे मीडियम फ्लेम पे आप 2 से 3 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दें, जिससे कि दही अच्छे से पक जाएगी। मैंने अच्छे अच्छे से मिला लिया है।
इसे आप ढक के छोड़ दें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पाँच मिनट हो चुका है, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा पक गया और कलर भी बहुत सुंदर आया है। आप इसे चावल रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम और भी भिंडी की कई तरह की मैं बनाती हूँ सब्जी भुजिया, मैं सब लेके आऊँगी। आप अपने विचार मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।